देखिए, आज हम बनाएंगे पानी पूरी चाट। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और आप इसे घर पर ही बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका से ये बन जाता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। कल इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। ये देखिए पापड़ी के जैसा है, ये दुकान में ही आपको मिल जाएगी। इसे हम देखकर फ्राई करेंगे तो ये गोल गोल पानी पूरी के जैसा हो जाएगा। एक पीस बड़ा आलू को उबाल कर मैश कर लिए नमक देके, प्याज ले लेंगे कटी हुई और खट्टी मीठी चटनी ले लेंगे इमली का, और थोड़ा सा भुजिया ले लेंगे। ये धनिया पत्ता और पुदीना का चटनी है, इसमें मिर्ची डाल दिए हैं, नमक डाले हैं, और ये थोड़ा अनारदाना ले लेंगे, दही ले लेंगे, सादा नमक, काला नमक और चाट मसाला ले लेंगे, और भुना पिसा जीरा ले लेंगे, मिर्च पाउडर ले लेंगे। और धनिया पुदीना और चटनी में हम हरी मिर्च को पीसे थे, इसीलिए मिर्च पाउडर हम थोड़ा ले लेंगे। ओवन में कढ़ाई रखकर उसमें रिफाइंड ऑयल ले लिए हैं। तेल गर्म हो चुका है। इसमें पानी पूरी डालकर फ्राई कर लेते हैं। इस तरह चलाते चलाते देखिए कितनी सुंदर फूल गई है पानी पूरी। ले है और डाल देंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और हमें कमेंट पर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस तरह नए नए रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। देखिए सभी पानी पूरी को हम फ्राई कर लिए हैं। इस तरह उठा के इस तरह छोटा से करेंगे, बीच में छेद करके इस तरह रख देंगे। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार जरूर घर पर ट्राई करें। जब भी घर पर खाने का मन करे आप झटपट इसे बना सकते हैं। देखिए सभी को बीच से छेद करके रख दिए हैं और इसमें आलू डाल देंगे हम बीच में, इस तरह आलू डाल देंगे। देखिए सभी में आलू डाल दिए हैं, अब थोड़ी थोड़ी प्याज डाल देंगे। में देखिए आलू और प्याज को डाल दिए हैं, थोड़ी थोड़ी इसमें इमली की खट्टी चटनी को डाल देते हैं, खट्टी मीठी चटनी को। अब इसमें हरी चटनी को डाल देंगे। दही में हम नमक और चीनी मिला दिए थे पहले ही, इसे डाल देंगे हम। अब थोड़ा सा सादा नमक छिड़ देंगे इसमें, सादा नमक थोड़ा अंदाज से दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि चटनी में डाले हैं हम सादा नमक, बस थोड़ी थोड़ी ही देना है। नमक को डाल देंगे। काला नमक को भी डाल चुके हैं, जीरा को डाल देंगे ऊपर से। चाट मसाला को डाल देंगे। ऐसे हम हरी चटनी में नींबू को मिलाए हैं, फिर भी हम चाट मसाला दे रहे हैं। खट्टी खट्टी खाने में बहुत ही अच्छा लगेगी, आप इसे ज़रूर एक बार घर पर ट्राई करिएगा। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे भी काफ़ी पसंद करके खाएंगे। मिर्च पाउडर को जरा डाल देंगे ऊपर से।
देखिए मिर्च पाउडर भी डाल दिए हैं। अनारदाना को डाल देंगे। ऊपर से भुजिया को डाल देते हैं। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रही है दही पापड़ी चाट। देखिए पानी पूरी चाट बनकर तैयार हो गया है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार जरूर इसे घर पर ट्राई करें, खाएं और हमें कमेंट पर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और इस तरह अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।